हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इग्नू इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। और चैनल इग्नू इंडिया को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और हाँ, ऑल पर ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नोटिफिकेशन आया है रघुनाथगंज रीजनल सेंटर की तरफ से। यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है उन स्टूडेंट की जिनके असाइनमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुके हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस टाइम पे वो लिस्ट हम लोग दिखा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कहीं आपका नाम तो नहीं है इसमें, कि आप कंफर्म हो जाइए कि आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड हुआ है या नहीं है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हैं, उस पीडीएफ को देख सकते हैं कि इस पीडीएफ में आपका नाम है या नहीं है। इससे आपको पता चल जाएगा आपका असाइनमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड हुआ है या नहीं। अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से। इन्होंने बताया है 28 मई से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट सबमिट करा दिए थे, उनके लिए एक पीडीएफ जारी किया गया है। उसमें उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिनके असाइनमेंट सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुके हैं। दोस्तों, ये तीसरा लिस्ट जारी किया गया है कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से। इससे पहले भी दो लिस्ट जारी की जा चुकी थी, ये चीज़ आप याद रखना। अभी और भी लिस्ट आएंगी, अगर इसमें आपका नाम ना हो तो नेक्स्ट लिस्ट में ज़रूर चेक कर लेना। फिलहाल इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक बार जाके वहाँ चेक कर लें कि आपका नाम है या नहीं है। अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है कोहिमा रीजनल सेंटर की तरफ से। इन्होंने ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है, इसके थ्रू आप अपना असाइनमेंट फाइल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, तो सारी गाइडलाइंस पढ़ लीजिए। कैसे पीडीएफ पे नाम लिखना है, कितनी की फ़ाइल होनी चाहिए और किस तरीके से असाइनमेंट को जमा करना है, उन सभी को पढ़ लें और फिर असाइनमेंट को भेजें। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है मुंबई रीजनल सेंटर की तरफ से। इन्होंने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन के लिए गूगल लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, तो अब आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। जिन्होंने पहले कर दिया है, उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है दोबारा से जमा करने की, वो सिर्फ वेट कीजिए और अपने असाइनमेंट चेक होने का। फिलहाल इन्होंने बस सिर्फ ऑनलाइन गूगल लिंक जारी की गई है, तो जिन्होंने नहीं किया है असाइनमेंट जमा, वो ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है खन्ना रीजनल सेंटर की तरफ से, जिसमें आपको दो ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई है। इस ईमेल आईडी में यह है कि आपको दो ईमेल आईडी दी गई, जिसमें आप एक में जनरल क्वेरी पूछ सकते हैं और एक में आप असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। पहली जो है वह है जनरल क्वेरीज के लिए, जिसमें आप अपनी जो भी आपकी नॉर्मल क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं, और दूसरी है असाइनमेंट रिलेटेड, तो आप उसमें असाइनमेंट रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से। अगर आपने जनवरी 2021 में न्यू एडमिशन लिया है, तो आपकी इंडक्शन मीटिंग होने वाली है, जो कि 2 जून से 5 जून तक चलेगी। फिलहाल बैचलर डिग्री के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हो, अभी सबकी गूगल लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन शेड्यूल सिर्फ बैचलर डिग्री का है। साथ ही साथ आपका भी जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। सभी के स्टडी सेंटर का कोड दिया गया है, आप अपने स्टडी सेंटर का कोड देख लीजिए और उसकी गूगल लिंक देख के वहाँ से आप अपना इंडक्शन मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी होता है, इसमें आपको सब अपने कोर्स के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में सब कुछ पता चलता है। अगला नोटिफिकेशन भी भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से। इन्होंने गूगल लिंक प्रोवाइड कराई है, जिसके थ्रू आपको मतलब एक मीटिंग अटेंड करनी होगी, जिसमें आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी का इसमें जवाब दिया जाएगा। तो आप इस मीटिंग को ज़रूर वो करें, ज्वाइन करें, जिससे कि आपके सारे जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए। होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। शुक्रिया।